तो गए शाम के आना 6:30 बज चुके हैं। लोग तो अपने घर में पूजा पाठ कर रहे हैं, मेरे घर में बहुत बुरा हाल हो रहा है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो सारा इखेर बिखेर हो रही है, हर बार की तरह एक ही टॉपिक होता है। 4 तारीख को मेरे घर में फोन आया था, 4 तारीख के बाद जो मेरे घर में कलेश हो रहा है ना, उसका कोई अंत नहीं। उसका नंबर भी दिखाऊंगी किसका फोन आया था, क्या क्या बोल रहा था मेरे को। और उसके बाद एक बार भी ऐसा, इतना भाईचारा है, इतना मोह प्यार है, तो एक बार आपको भाई ने संभाल रहा जो हमारे साथ किया ना, वो बहुत बुरा किया। और अगर किसी ने भी उसकी हकीकत और सच्चाई सुननी हो ना, मेरे को सुन लियो, मैं बताऊंगी। 20 साल पुरानी तय लेकर जब तक मैं ब्याह आई हूँ ना, जब तक लेकर आज लग की हकीकत और सच्चाई मैं सुनाऊंगी इस खानदान की, इस परिवार की। जितना मैंने सहन कराया ना, किसी ने सहन नहीं करा होगा, बहुत सहन करा। उसका बावजूद मैंने फोन कर रखा, मैं 5 तारीख को लेने आऊंगी, मेरे से पहले फोन करके नंबर भी मेरे से मांगा, मेरे से पहले फोन करके उनका है तिल्लू भाई की औकात को नहीं, तो गिरवा तो दिया टन निकालने की औकात को नहीं, तिल्लू भाई पर 14,000 रुपये को। उस टाइम कहाँ गया था जिस टाइम मैंने ना कलेश कर रखा था, आज तक बुरा कलेश कर रखा था, आप सभी ने देखा था। उस टाइम कहाँ गया था जब हमने फोन करा, तो उसने क्या बोल रहा था, तेरे छोरे पर पिटवा दे और गिर दे सेंटर में, और मरेगा तो मर जाएगा। उसका बावजूद आज वो शिकाव है त्रिलू भाई तेरा छोरा नु, हमने 4 दिन हो गए पिट दे, ठीक है हमारा ना दिन, आप तो दिन में सो जाया है, हम दिन में काम करा, फिर रात मारी पाई गाड़िया में मार्केट आई में तोड़ फोड़ में जाओ है। तो ना यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आगे की हकीकत ना मैं एक बार थोड़ा मैं इंतजाम कर लूँ, उसके बाद मैं सारी आगे की हकीकत दिखाऊंगी। और सिर्फ सामान देखना चाहो तो देख सकते हो, सिर्फ हमने पहन के कपड़े हमारे और थोड़ा खाने पीने का भी बर्तन भांडे लिए है, इसके अलावा सारा सामान मेरा घर में है। 2 दिन के बाद मेरी कोर्ट कार्रवाई शुरू हो जाएगी, उसके बाद मेरा पूरा हक बना है, 20 साल से मैं सामान उठा सकती हूँ। और सारा सामान मैंने मेरा दम पकड़ रखा है, इसमें तोड़ा जरूर है, तोड़ने के बाद ना तो वो सामान लिया ना ही उसका भाई सामान लिया, सारा मैंने मेरा दम कराया है। और कोर्ट कार्रवाई होने के बाद ना मैं मेरा सामान पूरा तारीम का आग गठा कर लेकर जाऊंगी। आज मैंने मेरी जान बचाने खातर, मेरे बड़का की जान बचाने खातर चाहिए मैंने ना किस तरह भी निकलना पड़े, बस इतना ही कहना चाहूँगी।